हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर फर्स्ट ईवीएस का, क्लास फोर्थ का। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपका चैप्टर फर्स्ट जो है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, लेकिन मैं बता दूं बच्चों, आज हम नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूँ। ये सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आपको ईवीएस के लिए नोटबुक बनानी है, और नोटबुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कल तक वेट करो, कल मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन आंसर। लेकिन अगर नहीं है तो आज आप नोटबुक ले आओ, इसलिए मैं आज क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ। तो आज आपको कैसे भी करके ईवीएस की नोटबुक बन लानी है, और ठीक है, उस पर कवर वगैरह चढ़ा लेना अच्छे से, फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये काम आज के लिए है आपको। लेकिन आज हम करते क्या हैं, हम अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, आज की वीडियो में पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, शुरू से चैप्टर निकाल लेते हैं बच्चों। ये रहा, देखो बच्चों, ये है प्लांट लाइफ। ओके, तो प्लांट लाइफ में बच्चों, ये पहला चैप्टर है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों, प्लांट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। और प्लांट्स जो हैं बच्चों, प्लांट देखो, यहाँ पे एक प्लांट दे रखा है। हमने पढ़ा ऊपर वाला जो पार्ट होता है, पूरा जो प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला होता है सूट सिस्टम, मिट्टी से ऊपर वाला, एबव द सॉइल, एबव द सॉइल सूट सिस्टम, बिलो द सॉइल सरफेस रूट सिस्टम। ये क्या है? सूट सिस्टम, ये है रूट सिस्टम, ये बच्चों हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था जो स्टेम होता है, स्टेम क्या करता है बच्चों? जड़ों से पानी को, यानी वाटर को और मिनरल्स को ऊपर कैरी करने का काम करता है, और बच्चों पेड़ को पूरा सीधा खड़ा रखता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है। और क्या करता है बेटा? इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टूवर्ड द अपर सरफेस। इसके अलावा बच्चों, पत्तियों के अंदर जो खाना बनता है उसको पूरे प्लांट्स में लाने ले जाने का काम करता है। पानी और वाटर को, वाटर और मिनरल्स को तो नीचे से ऊपर ले जाता है, और जो खाना बनता है पत्तियों के अंदर उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाता है, पूरे प्लांट्स में ले जाता है मतलब। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा था बच्चों, जो स्टेम होता है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, तो बच्चों एक तो बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का होता है, थिक होता है, ठीक है, मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रंक। ओके, लेकिन कुछ छोटे पौधे होते हैं जिनका स्टेम जो है कैसा होता है? मोटा, थोड़ा सा मोटा होता है और ग्रीन कलर का होता है, जैसे रोज होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनका कि स्टेम थोड़ा सा पतला होता है, ज़्यादा पतला नहीं होता, जैसे ये मार्कर के देख रहे हो ना, इतना ही पतला होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो लेकिन ग्रीन कलर का होता है, तो इसको कहते हैं बेटा श्रब्स। ओके, और बच्चों, और जिनके डालियाँ वगैरह और थोड़ी पतली होती हैं, ठीक है, तो ग्रीन कलर की होती हैं, उनको कहते हैं हर्ब्स। ओके, ठीक है, तो बच्चों हर्ब जो है ना, ये क्या है बच्चों? ये भी दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो क्लाइंबर होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, है ना, इस तरह के क्लाइंबर होते हैं जो किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं, और दूसरा होता है बच्चों क्रीपर, जो कि ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको अगर ज़मीन में बो देंगे तो ज़मीन पर ही वो ऐसे आगे बढ़ते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर। ये हमने देखा है ना। फिर बच्चों रूट सिस्टम, देखो रूट सिस्टम मतलब जड़, जड़ यानी कि रूट सिस्टम क्या होता है? मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा, जो पेड़ का वो हिस्सा जो मिट्टी में दबा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? प्लांट को खड़ा करने में हेल्प करता है ना, अगर ये जड़ें नहीं होंगी तो प्लांट खड़ा ही नहीं होगा, है ना। और क्या करते हैं बेटा? जड़ें जो होती हैं मिट्टी में से पानी को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तभी वो पानी ऊपर चढ़ता है। ओके, और बच्चों ये जड़ें जो हैं ये फूड को स्टोर भी कर लेती हैं, जैसे देखो रेडिश है, मूली है, तो मूली के अंदर क्या होता है?
ये जड़ ही तो है, ऊपर तो सूट सिस्टम है, नीचे रूट सिस्टम, ये जड़ है, और जड़ के अंदर क्या हो गया, फूड स्टोर हो गया, ये फूल जाती है, इसको हम खाते हैं। ओके, तो ये हमने देखा था। तो बच्चों ये जो जड़ें होती हैं, रूट सिस्टम होता है, वो भी दो तरह का होता है। एक तो होता है टैप रूट, जो ऐसे ऐसे गहराई की तरफ जाता है, ठीक है, अंदर अंदर घुसता चला जाता है, ठीक है, और दूसरा होता है फाइबरस रूट, जो वहीं के वहीं फैल जाता है ना। तो जो गेहूँ होता है, वीट होता है, राइस होता है, तो उसमें तो ये फाइबरस प्लांट होते हैं। और जो बच्चों जो पी प्लांट होता है, मटर का पौधा होता है, या फिर मस्टर्ड सरसों के खेत होते हैं, है ना, तो उनका जो पौधा होता है, ठीक है, सरसों का पौधा जो होता है, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट, उसका इस तरह से रूट होता है, उसको टैप रूट कहते हैं। तो बच्चों हमने सीखा, तो जड़ें रूट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। ओके, फिर बच्चों हमने देखा था लीफ, यानी पत्ती जो होती है, उसके अंदर खाना कैसे बनता है। ओके, तो बच्चों मैंने आपको बताया था, पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, उसके अंदर खाना बनता है, ठीक है, लेकिन खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए जो नीचे से आएगा, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए वो ले लेगा, और सनलाइट चाहिए, ठीक है बच्चों, और ये तीनों चीज़ें मिलकर के और होना ज़रूरी है क्लोरोफिल। तो पत्तियों का जो ग्रीन कलर होता है बच्चों, ये क्लोरोफिल की वजह से ही होते हैं। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे दाने से होते हैं, उन दानों को कहते हैं क्लोरोफिल, उनका कलर होता है ग्रीन, इसी की वजह से पत्ती का कलर, हमें लीफ का कलर ग्रीन दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से ये पत्ती के अंदर खाना बन जाता है, फूड बन जाता है। और बच्चों ये पत्तियां जो खाना बनाती हैं, वो पेड़ तो काम में लेता ही लेता है, साथ में जो खाना बच जाता है उसको ये पत्तियों में स्टोर कर लेती हैं, या फिर फल में, फ्रूट में स्टोर कर लेती है, या फिर जड़ों में, स्टेम में, ऐसे स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बच्चों फ्लावर, तो फ्लावर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं उनसे फ्रूट बनता है, और फ्रूट में होता है सीड, और सीड से फिर बनता है नया पौधा, ठीक है। और बच्चों मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती हैं, वो भी फ्लावर से बनाती हैं। फ्लावर क्या कर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फ्लावर में से रस को लेकर के नेक्टार, फ्लावर के अंदर जो रस होता है उसको क्या कहते हैं, नेक्टार। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उस नेक्टार को ले लेती हैं, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब कहते हैं उसको, उसमें जाके डाल देती हैं, ठीक है। इस तरह से शहद बनता है बच्चों। तो शहद बड़ा काम की चीज़ होती है बच्चों, है ना, बहुत तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और फ्लावर जो होते हैं बच्चों, इनसे परफ्यूम बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, और ऑयल निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने लास्ट में क्या टॉपिक पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। तो हमने देखा था बच्चों, ट्रीज को कंजर्व करना, कंजर्व मतलब उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ठीक है। तो बच्चों ट्रीज जो है, उनकी देखभाल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीज होंगे तो हम होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रीज से ही तो हमारा खाना मिलता है, ट्रीज हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जो कि हम सांस लेते हैं, ट्रीज से हमें कपड़े मिलते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, धागा जो बनता है ना, धागा जो है बच्चों वो भी प्लांट से बनता है, फिर धागे से कपड़े बनते हैं, उन कपड़ों को हम पहनते हैं। देखो प्लांट नहीं होंगे तो ठीक है, धागा नहीं आएगा, धागा नहीं आएगा तो कपड़ा नहीं आएगा, कपड़ा नहीं आएगा तो आप क्या पहनोगे। ऐसी प्लांट हमें गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं जो आप सांस में लेते हो, प्लांट नहीं होंगे तो गैस कहाँ से आएगी, तो हम मर जाएंगे, हम रहेंगे नहीं, तो प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लांट को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, हमें पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बच्चों पूरी दुनिया में ये एक वन महोत्सव, ठीक है, ये फेस्टिवल है बच्चों, ये मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, खूब सारे पेड़ लगाए जाते हैं। मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था कि गूगल पे जाकर के ये सर्च करना है आपको कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो आज आप नोटबुक ले आना, कल हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, आप तैयार रहना नोटबुक लेकर के। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।